आइए, सुधा सुधा करके वो घड़ी आ गई कि जिस नौजवान शायर ने इस मुशायरे को सजाने में, सवारने में, मुनअक़िद कराने में एक बुनियादी रोल अदा किया है, जिसकी शायरी की उम्र ज़्यादा तो नहीं लेकिन उसका लबो लहजा ये बताता है कि मुस्तकबिल में ये बहुत दूर तक जाएगा और बहुत देर तक चलेगा। उसकी शायरी का लहजा के बदन के पेचो खम कैफे निगाहे यार लिखते हैं, बदन के पेचो खम कैफे निगाहे यार लिखते हैं, वो होंगे और जो रंगे लबो रुखसार लिखते हैं। हमारे सामने है भूख से सहमा हुआ बच्चा, हमारे सामने है भूख से सहमा हुआ बच्चा, हम अपनी शायरी में दर्द के किरदार लिखते हैं। जाफर बस्तवी तशरीफ लाएं और अपने कलाम से सामीन को महसूस करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं इस मुशायरा कमेटी के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, जिनकी दुआओं की वजह से, जिनकी मोहब्बतों की वजह से मुशायरा हो रहा है, सभी लोगों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और जो दूर दराज से आए हुए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है, सभी लोगों का मैं तहे दिल से और दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं। डाइट पे हमारे सदर मुशायरा जनाब हाजी अब्दुल मुनाफ साहब, जनाब साहबुद्दीन साहब, मोइनुद्दीन साहब, बहुत सारे हजरात बैठे हैं, किन किन हजरात का मैं नाम लूँ। युवा संघर्ष समिति के अध्यक्ष रिजवान मुनीर साहब, तुफेल साहब, और आइए दोस्तों यहाँ से सीधे सीधे, मुझे पता है कि तप्पा उजियार के लोग जो है कमज़ोर तालियाँ नहीं बजाते हैं। आप लोगों की दुआएं चाहता हूँ और चार मिसरे पढ़ता हूँ। लिटिल एकता भारती जी बड़ी मोहब्बत की बातें कर रही थी, मैं सोच रहा हूँ वहीं से स्टार्ट कर दूँ क्या। अच्छा चलिए ठीक है। बेवफा है बेवफा से दिल लगाना छोड़ दो। समीर भाई देखिएगा, बेवफा है बेवफा से दिल लगाना छोड़ दो, दिल लगाना छोड़ दो। बेवफा है बेवफा से दिल लगाना छोड़ दो, बैठ के तन्हाई में आंसू बहाना छोड़ दो, आंसू बहाना छोड़ दो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय जो हालात चल रहे हैं हमारे देश के अंदर, आप लोगों को पता है हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। मैं बंद पढ़ता हूँ और आप सबकी दुआएं मांगता हूँ। आज के इन रहे बरों पर, अगर मैं वहां तक पहुंचूं तो तमाम लोगों की दुआएं चाहता हूं। हाशिम फिरोजाबादी साहब, हाशिम नुमानी साहब, अली बारा बंकी साहब, काविश रुदौली साहब, आज के इन रहे बरों पर हम करें कैसे यकीन, हम करें कैसे यकीन, आज के इन रहे बरों पर हम करें कैसे यकीन, पहले हिंदू और मुस्लिम को लड़ाना छोड़ दो, जिंदाबाद और लड़ाना छोड़। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं ज़्यादा आप लोगों का वक्त नहीं लूँगा, लेकिन इस समय जो हमारे देश के अंदर हालात हैं, मैं दो मिनट में आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। 2015 से लेकर के 2018 के बीच इस तरीके का माहौल बना दिया गया हमारे देश के अंदर। हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान को बांटने का काम किया जा रहा है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मुसलमान गद्दार होते हैं, मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, बांग्लादेश चले जाना चाहिए। एक हिंदुस्तान का मुसलमान अपने वतन से कितनी मोहब्बत करता है, अपने वतन के बारे में क्या सोचता है। मैं चार मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों, अगर मेरे मिसरे में सच्चाई हो तो मुझे लगे कि मैं अपने दयार में पढ़ रहा हूं, मेरे अपने लोग बैठे हुए हैं। रिजवान मुनीर साहब, आपकी भी दुआएं मांगता हूं।
सजा जन्नत नुमा दुनिया में हिंदुस्तान अपना है। सजा जन्नत नुमा दुनिया में हिंदुस्तान अपना है। क्या कहने भाई? यकीनन बागे जन्नत सा हसी गुलदान अपना है। यकीनन बागे जन्नत सा हसी गुलदान अपना है। यहीं पैदा हुए हैं और मर कर भी यहीं होंगे। यहीं पैदा हुए हैं और मर कर भी यहीं होंगे। न बांग्लादेश अपना है न पाकिस्तान अपना क्या है। क्या कहने बहुत अच्छा सर। दोस्तों 2019 का इलेक्शन हमारे सर पे है और हमें डराने की कोशिश की जा रही है, हमें धमकाने की कोशिश की जा रही है। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ कि हम किस नबी के मानने वाले हैं। चार मिसरे पढ़ता हूँ और आप सबकी दुआएं चाहता हूँ। बहुत सारे देखे पढ़ता हूँ। हमें तादाद की कसरत से दुनिया क्यों डराती है। हमें तादाद की कसरत से दुनिया क्यों डराती है। शमशु भाई क्या कहाँ हैं आप? शमशु भाई एक बार हमारे मुशायरे के चीफ गेस्ट हमारे बड़े भाई जनाब शमसुद्दीन खान साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें, जितने ज्यादा खूबसूरत मुशायरा सजाया है। हमें तादाद की कसरत से दुनिया क्यों डराती है। हमें तादाद की कसरत से दुनिया क्यों डराती है। बहुत तर भी अगर हम हो तो लश्कर कांप जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहत्तर भी अगर हम हो तो लश्कर कांप जाता है। क्या कहने क्या कहने। खुदा के नेक बंदों से मोहब्बत सबको होती है। अली भाई खुदा के नेक बंदों से मोहब्बत सबको होती है। मुजाहिद का बदन छूते खंजर कांप जाता है। क्या कहने फिर से पढ़ो जफर भाई फिर से पढ़ो मुकर्रर। बहुत अच्छा कथा है फिर से पढ़िए। हमें तादाद की कसरत से दुनिया क्यों डराती है। हमें तादाद की कसरत से दुनिया क्यों डराती है। बहत्तर भी अगर हम हो तो लश्कर कांप जाता है। बहुत खूब बहुत खूब। खुदा के नेक बंदों से मोहब्बत सबको होती है। मुजाहिद का बदन छूते ही खंजर कांप जाता है। दोस्तों जिस तरीके से हमारे बड़े भाई जनाब शमसुद्दीन खान साहब उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक जिस तरीके से वो गरीबों की मदद करते हैं, युवाओं को आगे लाने का काम करते हैं, वाकई दोस्तों काबिले तारीफ है। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। बेशक बेशक। और उन्हीं के हवाले से मैं चार मिसरे पढ़ना चाहता हूं। दोस्तों ये पूरा सिसवा तालिब इस बात का गवाह है
मैं कोई अपने दिल से इस बात को बनाकर आपके सामने पेश नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको लगे कि मैं शमसुद्दीन साहब का दर्द इस मिसरे में पिरोने की कोशिश किया हूँ तो आप सबकी दुआएं मांगता हूँ, डाइट पे आप लोगों की भी दुआएं मांगता हूँ। मुनीर जवान साहब, शख्सियत वो महान होती है, 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 जिसकी मीठी जबान होती है। क्या कहने भाई, बहुत अच्छी मीठी जुबान, मीठी जबान होती है, रात भर करवटें बदलता है। अमन साहब आप भी देखिए, रात भर करवटें बदलता है, रात भर करवटें बदलता है, रात भर करवटें बदलता है, जिसकी बेटी जवान होती है, जिसकी बेटी जवान होती। चार मिसरे और पढ़ूंगा, उसके बाद मैं इंशाल्लाह अपनी जगह लूंगा। इस समय जो हालात चल रहे हैं हमारे देश के अंदर, घड़ाए आप लोग पहुंचेंगे, मुझे पता है मेरे दयार के लोग हैं, आप लोग वहां पहुंचेंगे, बहुत जहीन लोग हैं भाई जी। घड़ाए पाप का जल्दी ही भरने वाला है, क्या बात है भाई, घड़ाए पाप का जल्दी ही भरने वाला है, और तेरा नशा भी तो जल्दी उतरने वाला है, और तेरा नशा भी तो जल्दी उतरने वाला है, और तुझे जो ताज मैं असर हुआ था किस्मत से, और तुझे जो ताज मयसर हुआ था किस्मत से, वो ताज भी तेरे सर से उतरने वाला है। जिंदाबाद।